नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। गोवर्धन पर्वत के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार धर्मार्थ कार्य विभाग ने श्राइन बोर्ड का गठन कर दिया है। यह फैसला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के निर्देशों का अनुपालन में किया गया है। एनजीटी ने गिरिराज जी के साथ समस्त परिक्रमा क्षेत्र को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करने का आदेश दिया है। परिक्रमा मार्ग में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा गोवर्धन पर्वत स्थित श्री गिरिराज मुखारविंद दानघटी जतिपुरा एवं दस विसा स्थित मंदिर अधिग्रहण कर प्रबंधन की तैयारी की जा रही है। गोवर्धन के यह मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर साल लाखों श्रद्धालु श्री गिरिराज जी के दर्शन को आते हैं, उनकी परिक्रमा लगाते हैं। गोवर्धन के संरक्षण के समुचित प्रयास न किए जाने से उसका मूल स्वरूप प्रभावित हो रहा है। इसी संरक्षण के लिए एनजीटी ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए थे, उन्हीं के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा यह कार्य किया गया है। इस मौके पर गोवर्धन विकास मंच के संयोजक हरीश शर्मा, एडवोकेट गौतम खंडेलवाल, सतीश कौशिक, काना शर्मा, परसोत्तम शर्मा, ब्रज किशोर, सुदीप भट्ट, हेमंत सैनी, नरेंद्र शर्मा, भारतीय जनता पार्टी गोवर्धन विधानसभा प्रभारी सुशील अग्रवाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। बहुत ही सकारात्मक सरकार का ये कदम है, जिससे पूरे गोवर्धन क्षेत्र का समुचित विकास होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। जो इतने ये तो बहुत काफ़ी समय पहले हो जाना चाहिए था। सरकार ने जो भी ये कदम उठाया है बहुत ही अच्छा कदम है और हम सभी सरकार के इस कदम का सहयोग करने को तैयार हैं हर प्रकार से।